तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, चैनल पे एक रिव्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें बहुत सारे ट्रैक्टर्स के रिव्यू वीडियोस डाले जा रहे हैं। रिव्यू उनका किया जा रहा है कि क्या क्या कंपनी फीचर्स दे रही है और कितना हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, कैसे क्या जो फीचर्स दे रही है वो हम किसान भाइयों के लिए कैसे इस्तेमाल में है। तो आज रिव्यू सीरीज़ में रिव्यू करेंगे 5310-2024 मॉडल का। तो भाइयों, इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आगे के टायर जो दे रखे हैं, ये 9/5/24 के टायर दिए हुए हैं। और दोस्तों, इसमें जो आगे का, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है, तो जो फ्रंट एक्सल है इसमें वो प्लेनेटरी ड्राइव टाइप का एक्सल है और डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग कंपनी दे रही है इसमें। बाकी 50 हॉर्स पावर से जो नीचे के ट्रैक्टर आते हैं उनमें डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग नहीं देती है। यहाँ पर इसका इंजन जो है 2900 cc है। जॉन डियर कंपनी 35 हॉर्स पावर से लेकर और 75 हॉर्स पावर तक सिर्फ 2900 cc का ही इंजन देती है। HP कैटेगरी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 5310, क्योंकि 50 हॉर्स पावर से ऊपर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि जो भी 50 हॉर्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर होंगे वो CRDI मॉडल में ही लॉन्च करेंगी कंपनी। तो यहाँ पर 5310 CRDI मॉडल में है। तो पहले 55 HP में आता था, CRDI होने के बाद इसको 57 HP कंपनी ने कर दिया है। और साथियों, आपको दिखा दें कि इसकी जो P2HP है वो आप देख सकते हैं कि 51 हॉर्स पावर इसकी P2HP है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर गियर प्रो। तो आप देख सकते हैं इस पर जो डेट पड़ी हुई है वो फरवरी 2024, यानी बिल्कुल रिसेंटली कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पर जो आप स्टिकर देख सकते हैं वो पावर टेक गियर प्रो और फोर व्हील ड्राइव गियर प्रो लिफ्ट प्रो। तो गियर प्रो का जो सिस्टम है वो इसमें आपको भी बताएंगे आगे। और भाइयों, इसमें जो रियर के टायर हैं वो 16/28 के आपको कंपनी देती है। तो भाइयों, जब जॉन डियर ने भारत में कदम रखा था तो सबसे पहला ट्रैक्टर 5310 ही लॉन्च किया था। जब से ट्रैक्टर आया है अपनी कैटेगरी में, बहुत हिट ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। जॉन डियर कभी भी अपने कोई भी पार्ट्स जो भी ट्रैक्टर में लगाती है उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करती है, सब ब्रांडेड आइटम्स लगाती है ताकि कंपनी में कोई दिक्कत ना आए। 5 साल की पूरी इंजन, हाइड्रोलिक और गेयरबॉक्स की पूरी फुल एंड वारंटी लेती है। यहाँ पर आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि इसमें प्लेनेटरी ड्राइव रियल एक्सल भी कंपनी देती है। और जॉन डियर की कुछ ऐसी खासियत है जो सारी अन्य ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज से अलग हैं। जैसे इसमें सभी में पावर स्टीयरिंग देगी आपको, सभी में प्लेनेटरी ड्राइव टाइप का रियर एक्सल देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ऑक्सिलरी वाल कंपनी फिटेड आपको मिलते हैं, JD कंपनी की लिफ्ट मिलती है। और जो लिफ्ट प्रो कंपनी स्टिकर दे रही है, लिफ्ट प्रो का मतलब यह है कि 2500 क्विंटल की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो भैया, मोटी मोटी जो जानकारी आपको दी गई है। और यहाँ से आप अगर प्लेटफॉर्म देखेंगे तो सस्पेंडेड टाइप के पैडल आ जाते हैं। और ये एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ महिंद्रा और जॉन डियर ही दे रहे हैं। इसको डिफरेंशियल लॉक कहते हैं। जब ट्रैक्टर मड वगैरह में फंस जाता है तो एक टायर स्लिप करने लगता है, दूसरा ताकत नहीं लगता, तो इसको दबाने से दोनों टायर पूरी की पूरी बराबर ताकत लगाते हैं। तो दोस्तों, अब इसके प्लेटफॉर्म पर चल के कुछ उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। और यहाँ पर आपको जो ये दो पंप देखने को मिल रही है, पावर स्टीयरिंग की एक अलग पंप है और पीछे हाइड्रोलिक की अलग पंप है। तो बहुत सी चीज़ें, जॉन डियर कंपनी कभी समझौता नहीं करती है अपनी किसी भी चीज़ के साथ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, तो रॉड जो है बहुत हैवी ड्यूटी लगा रखी है कंपनी ने। बस थोड़ा सा जो मुझे इसमें कमी लगी कि भाइयों, आज कॉस्ट कटिंग के मामले में थोड़ा सा जो सेल्फ है ये कंपनी छोटा करते जा रही है, तो कभी कभी स्टार्टिंग की दिक्कत आती है। और भाइयों, डीजल कूलर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जो हैं वो कॉस्ट कटिंग के लिए कोई ना कोई फीचर्स बदलती रहती हैं। तब इसके प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो दोस्तों, बहुत अच्छा फील आ रहा है इस पे बैठने के बाद। पूरा कार के जैसा सिस्टम है। और यहाँ पर आपको CRDI ट्रैक्टर अगर मिलता है तो यहाँ पर दो फीचर्स भी दो मूड दे रखे, स्टैंडर्ड मूड और इको मूड। स्टैंडर्ड मूड मतलब पूरी ताकत ट्रैक्टर लगाएगा, और इको मूड पर जब आप चलाएंगे तो डीजल की खपत कम करेगा ट्रैक्टर। और यहाँ पर
भाइयों सस्पेंडेड टाइप के जो पैडल हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा कंफर्ट मिल रहा है। तो जो इसमें गियर सिस्टम आपको देखने को मिलता है वो चार गियर आपको इधर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला दूसरा तीसरा रिवर्स और एक पार्किंग। ये भी एक जॉन डीयर की बहुत अच्छी चीज़ है कि जो पार्किंग ब्रेक है वो कंपनी हाथ वाले गियर वाले लीवर में ही दे देती है। तो और इधर आपको जो देखने को मिलते हो गियर प्रो सीरीज़ यानी ABC चार टाइप की स्पीड इधर भी देखने को मिल जाती हैं। ये फोर व्हील ड्राइव का लीवर दे रखा है और डुअल PTO 540C और 540 और ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच कंपनी अलग से दे रही है। यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पर मैट लगी हुई है पहले से। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो लीवर वगैरह की सेटिंग है बिल्कुल बहुत अच्छे से कंपनी ने कर रखी है, पूरा कंफर्ट होकर हाथ आराम से पहुंच रहा है वहां तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और सीट में भी हाथ रखने के लिए हैंड रेस्ट दिए हुए हैं। और एक फ़ीचर यहां पर यह भी दे रखा है टिल्ट स्टेयरिंग का, जो कार वगैरह में फ़ीचर आता रहता है। तो भाइयों बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, ये देखिए कार के ही जैसा सिस्टम यहाँ पर भी कंपनी ने दे रखा है। तो ये भी एक फ़ीचर बहुत अच्छा लगा कि अपने बैठने के हिसाब से आप स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें कंपनी कई मॉडल दे रही है 53 में। फ़िलहाल जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है ये टॉप मॉडल है और बैठने पे इस पर बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत कंफर्ट फील हो रहा है। तो दोस्तों आप 55 हॉर्स पावर CIDI में अगर कोई भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो एक बार जॉइंडर का 53 ज़रूर देखिए। अब एक बार इसको स्टार्ट करके आवाज़ वगैरह इसकी एक बार सुनते हैं। साइलेंट आवाज़ है इसकी। और इसका एक और ये भी सिस्टम है कि चाबी ऑफ करते ही ट्रैक्टर बंद हो जाता है। चोक वाला सिस्टम इसमें नहीं दिया है कंपनी ने। धन्यवाद भाइयों।